टाइम्स माई सेल्फ डॉक्टर सदानंद वर्मा। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक टॉपिक की बात करते हैं, वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपको पहले से पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव क्या है मीन्स कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखिए जैसे मैं इस तरह से एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास सौ रुपए है, उस 100 रुपए लेकर के आप सिविल लाइन चले जाते हैं, 20 रुपए रास्ते में किराया लग गया है, तो आपके पास बचा कितना, 80 रुपए। फिर आप वहां जो काम करते हैं आपको उससे 500 रुपए मिलते हैं, तो इफेक्टिव मनी कितनी हुई, 480 रुपए हुई, 500 रुपए थोड़ी नहीं हुई, क्योंकि आपने 20 रुपए खर्च भी तो किया है। तो उसी तरीके से इस तरह समझिए कि जैसे आप कॉम्प्लेक्स कोई बनता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा फिर गेन करेगा। यानी जैसे आप पढ़ रहे हैं इस समय तो आप कुछ फीस दे रहे हैं स्कूल में कोचिंग में इस तरह से, तो पढ़ने के बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है तो उससे आप इनकम होगी, तो ये जो पैसे हैं ये तो माइनस हुए थे पहले ना। तो जैसे मान लीजिए आपको 25,000 रुपए एक महीने की जॉब लगती है, तो आप पढ़ते समय अगर मान लीजिए 5,000 रुपए मैंने खर्च किए हैं और 25,000 रुपए की जॉब लगी है, तो इफेक्टिव कितना हुआ, 20,000 रुपए हुआ, क्योंकि 5,000 रुपए आप खर्च कर चुके हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट में समझिए कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जब बन जाए उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया था, सिडविक ने। तो देखिए जो ईएएन है ना, ईएएन इंट्रोड्यूस बाय सिडविक सामने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस सिडविक कॉन्सेप्ट में है क्या कि इफ ईएएन करिस्पॉन्ड टू नोबेल गैस दैट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर नोबेल गैस से करिस्पॉन्ड कर गया तो, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, यानी इफ एयर करिस्पॉन्ड टू नोबेल गैस दैट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, इसका मतलब दूसरी बात आप अपने आप समझ जाते हैं कि अगर करिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो अनस्टेबल नहीं होगा, क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो आप इसको इस तरह समझिए कि जैसे यहां पे देखिए इस तरह से है सेंट्रल मेटल एटम बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक है जेट, फिर इसमें से ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन में कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यहां पे, ठीक है, तो यहां पर क्या बना दिया, केटायन बना दिया ना। अभी केटायन क्या करेगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस तरह से आप समझिए जैसे यहां पे एफई है, इस एफई ने 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया एफई ने, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एफई2 पॉजिटिव इस तरह से। प्लस यहां पर देखिए 6Cn लिगेंड है, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना, जब देगा तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्या, एफई Cn6 इतना, और इसके ऊपर कितना निगेटिव चार्ज आएगा, 4 नेगेटिव चार्ज। देखिए यहां पे क्या है, 6 माइनस है, यहां पे क्या है, 2 प्लस है, तो कितना 4 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब इसी का आप ईएएन निकालना चाहें तो ईएएन रूल सिंपल सा रूल है कि ईएएन इक्वल टू क्या है, देखिए ईएएन इक्वल टू जेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 into नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। अगर इसी कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात करें, अगर इसी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो देखिए जेड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इसका एफई का कितना है, 26 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2 प्लस 2 into नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी मीन कितने क्वाड्रेंट बॉन्ड बनाया है, तो क्वाड्रेंट बॉन्ड कितने बनाया है, 6। तो एक जो क्वाड्रेंट बॉन्ड कैसे बनता है, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन,
तो यहां देखिए सिक्स लिगेंड है और हर एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, दो छोर। तो इस तरह से देखिए यहां कितना हो जाएगा 24 ऐसे प्लस 24 सही यहां पे 24 हो गया इतना प्लस 2 × 6 कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 ना। यानी इसका देखिए करिस्पॉन्ड कर रहा है क्रिप्टन के फेस्टिवल। यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है वही क्या है, वही है क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहां पे PtCl6 ऐसे है और इसके ऊपर 2 नेगेटिव है इस तरह से ना। तो अब इसी का हम लोग EN निकालें, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए, देखिए Pt+6Cl = -2 ना। तो Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था x = x + 6, क्लोरीन पे कितना चार्ज -1, क्लोरीन पे कितना चार्ज -1 = -2। तो x इक्वल टू क्या होगा -2 + 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +4। अब रूल इस रूल को अप्लाई कर देते हैं यहां पे, देखिए जो रूल लिखे हैं आपने, तो देखिए En इक्वल टू इसका एटॉमिक नंबर ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना 76 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -4 ना +2 ना × 6, ये कितना हो जाएगा इसका 72 प्लस 12 कितना हो जाएगा 84। ये किसी नोबेल गैस के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है, रिलेटिवली लेस स्टेबल है। यानी सिमिक साहब ने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबेल गैस के करिस्पॉन्ड करेगा तो स्टेबल होगा, अगर नहीं करिस्पॉन्ड करेगा तो स्टेबल नहीं होगा। तो ये रहा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस बाय सिडविक। यानी देखिए बहुत सीधा सा रूल है बिना किसी उसी में पढ़े, देखिए En इक्वल टू जेड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 × नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, इस तरह से हुआ। तो यहां पे इसका हो गया, ठीक। फिर दूसरा एग्जांपल हो गया, और इस तरह से आप किसी का भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।